Hello guys, welcome to the channel The Engineer and the Analyst. So we know that right now India is having a boom. India is doing lot in sector of the semiconductor devices. तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट सेमीकंडक्टर स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में आपको 400-500% रिटर्न भी दे सकते हैं अगर आप उन्हें 4 से 5 साल तक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, क्योंकि राइट नाउ जो डिमांड है, देखिए इंडिया पिछले साल तक जो मेजर सेमीकंडक्टर से वो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा था और 2025 तक इंडिया की जो डिमांड है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वो 4 times बढ़ जाएगी. जितनी भी हम चिप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जितनी भी हम हाई एंड चीजें कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज हैं वो इंडिया में 4-fold एक्सपैंड कर रही हैं. तो आने वाले टाइम के साथ कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी अपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अभी बाहर से मंगा रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, लेकिन टाइम के साथ दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्व्स. तो मेरे नजरों में, मेरे एनालिसिस में ऐसे 3 stocks हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए अगर आप अपने 5 साल का फ्यूचर देखते हैं और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जिस तरह से इंडिया में बूम कर रही है. तो बिफोर गोइंग अहेड आई वांट दैट माय ओल्ड सब्सक्राइबर्स डू प्रेस अ लाइक एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू गेट कनेक्टेड सो दैट यू गेट रेगुलर इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस एंड सी हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग. इसके साथ साथ बहुत बारी मैं टेक्निकल एनालिसिस के भी चार्ट्स डालती रहती हूँ, ग्राफ रीडिंग वगैरह के, तो आप उसको भी जरूर देखिए. सो पहला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है टाटा एलेक्साई. वी नो दैट टाटा ग्रुप्स स्टॉक्स आर डूइंग रियली वेल. तो अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टाटा अपनी इलेक्ट्रिक कार्स जो मैन्युफैक्चर करने वाला है बल्क में, उसमें भी उसको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी. तो बाहर से लेने की बजाय टाटा एलेक्साई इज इटसेल्फ वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन सेमीकंडक्टर्स. सो आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, डेटा एनालिटिक्स का है. टाटा एलेक्साई इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड इफ आई सी इन 1 year हाउ द स्टॉक हैज परफॉर्म्ड, सो यू कैन सी कि 1 साल के अंदर स्टॉक का प्राइस जो मिनिमम था 2690 उससे उठ के आज की डेट में से स्टॉक का प्राइस है 6977. तो 160% का रिटर्न, यानी 2000 के करीब, 2800 के करीब का स्टॉक था जो आज 7000 के करीब है. सो इट इज मोर देन 160% एंड आने वाले टाइम में आई सी दिस स्टॉक इन नेक्स्ट 5 years अराउंड 16,000. नेस्ले जैसी कंपनी को बहुत आराम से ये स्टॉक बीट कर सकता है. तो टाटा एलेक्साई इज फंडामेंटली वेरी गुड स्टॉक एंड इट इज इन माई लिस्ट फॉर द सेमी कंडक्टर डिवाइसेज. नेक्स्ट स्टॉक इज वन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर स्टॉक्स and I expect it to grow at least 200% in next few years and that is BHEL, Bhabha Heavy Electricals Limited. ये stock बहुत ही underrated है, 1 साल में 55% का growth दिया है, लेकिन जिस तरीके से electrical vehicles पे काम चल रहा है इंडिया में और जिस तरीके से semiconductors पे भी इंडिया बहुत सारा कोशिश कर रहा है कि अपनी 4-fold capacity बढ़ाए, so I think that even being a PSU पब्लिक सेक्टर कंपनी BHEL has got a very strong fundamental और इसका एक मोनोपोली होगा इस सेक्टर में. जब इलेक्ट्रिकल कार्स इंडिया में आ जाती हैं तो BHEL स्टॉक इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच हैज अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल. और अगर आप देखें कि इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. इसकी जो मोनोपोली है वो सेक्टर में डोमिनेटेड है पीएसयूज में. तो आई थिंक दैट इन सेकेंड स्टॉक विच इज देयर टू बी इन योर लिस्ट इज BHEL एंड थर्ड स्टॉक फॉर द सेमीकंडक्टर्स इज ASM टेक्नोलॉजीज. ASM टेक्नोलॉजीज की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, oh my God, इट इज मोर देन 486%. ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और जिस तरह से ये मार्केट में डोमिनेट करती जा रही है, जिस तरह से इसका ग्रिप है सेमीकंडक्टर्स में, आप देखिए इसका प्राइस 130 रुपीज था लास्ट ईयर जनवरी में और आज की डेट में इसका प्राइस है 738 रुपीज, विच इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग एंड नाइस प्राइस. एंड इफ आई सी आज की डेट में मार्केट का क्या सिनेरियो था, तो आप देख सकते हैं 52 वीक का लो इसका 91.25 था, 50-50 रेशियो है डिमांड का और सप्लाई का, और अपर सर्किट जो स्टॉक ने लगाया था वो 808 रुपए का लगाया हुआ था. तो आप इसमें इस हिसाब से काम कर सकते हैं अगर हम फंडामेंटल्स और भी अच्छे देखेंगे. डिविडेंड कितना देती है कंपनी, 0.91%. सेक्टर पी रेशियो 37.55 है, तो अभी स्टॉक का वैल्यूएशन ठीक है. रिटर्न ऑन इक्विटी 16.14%, प्राइस टू सेल्स रेशियो का मैं देखूं तो 4.59 का है. अर्निंग पर शेयर इज 10.25 रुपीज. तो आई सी दिस स्टॉक, और अगर आप और इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लास्ट 3 months में 183% ग्रोथ किया है स्टॉक ने, 1 साल में 486%,
और 3 साल के अंदर ASM टेक्नोलॉजीज का स्टॉक जो है वो 1111% यानी 1100% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, ASM टेक्नोलॉजीज ने. तो माय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर द सेमीकंडक्टर सेक्टर आर, आई एम अगेन रिपीटिंग, टाटा एलेक्साई. एंड इफ आई विल वंस अगेन लाइक टू रिव्यू वेरी क्विकली कि लास्ट 3 इयर्स में भी किस तरह से ये ग्रो किया है. सो लास्ट 3 इयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 624% का रिटर्न दिया टाटा एलेक्साई ने. 1 ईयर में 160% का है, पिछले 3 महीने के अंदर में इतना मूवमेंट नहीं है, इट इज जस्ट 18% रिटर्न, लेकिन एक मंथ में इसने 28% का रिटर्न दिया है. और ये मिड कैप स्टॉक है, टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे, डेटा एनालिटिक्स के टाइम पे टाटा ग्रुप इज गोइंग टू डोमिनेट द इंडस्ट्री. सो आई थिंक, एंड इफ यू सी दी प्राइस टू अर्निंग, इट इज 6.41 और पर शेयर इसने 73 रुपीज का प्रॉफिट दिया है अपने शेयर होल्डर्स को. सो दीज 3 स्टॉक्स, भेल, टाटा एलेक्साई एंड ASM टेक्नोलॉजीज आर टॉप 3 इन माय पोर्टफोलियो फॉर द सेमीकंडक्टर सेक्टर. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के पास कोई सेमीकंडक्टर स्टॉक है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन सा है, और आपको क्या लगता है इन तीनों स्टॉक में आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक और ज्यादा फंडामेंटली ग्रो करेगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज. साइनिंग ऑफ द इंजीनियर एंड एनालिस्ट, हैव अ वेरी नाइस डे.